हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी मूंग दाल का हलवा। बहुत ही फटाफट से ये बन जाएगा। आज हम भीगा हुआ दाल का बनाने वाले हैं, तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय गवाए जानते हैं इसका प्रोसेस। यहाँ पर हम 200 ग्राम जितना दाल लिए हैं मूंग का। आप जितना दाल लोगे उतना ही हमें चीनी लेना है, इसलिए एक प्रॉपर बर्तन या मेज़रमेंट का ध्यान रखिए। हमेशा जो जितना मेज़रमेंट दाल है उतना ही मेज़रमेंट शुगर लगेगा। इसे हमें अच्छे से धोकर भिगो देना है। कम से कम 4 घंटा हम इस दाल को भिगोएंगे। देखिए इस तरह से ये फूल जाता है दाल। उसके बाद हमें इसका पानी निकाल देना है और एक पानी से और धोकर साफ़ कर लेना है। पानी निकाल कर अब हम इसको मिक्सर में पीस लेंगे। देखिए इस तरह का हमें इसको मिक्सर में पीस लेना है। हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, पानी हमने छान कर अलग कर दिया था, फिर हमने दाल को पीसा था। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें मैंने आधा कप घी डाला है। घी बाद में हम और डालेंगे ज़रूरत होगा तो। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पूरा, मैंने 1 टेबलस्पून भरकर आटा लिया है। ये एक सीक्रेट है, अगर हम आटा डाल देते हैं मूंग दाल के हलवा में तो टेस्टी तो बनता ही है, साथ साथ वो चिपकता नहीं है। तो अब इसमें साथ साथ हमने जो मूंग दाल पीसा है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और एक बार इसको मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे भूनना शुरू करेंगे। आप इसको चाहे तो नॉन स्टिक कढ़ाई में भी बना सकते हैं, उसमें वो बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। और देखिए इस तरह से हमें इसको हिलाना है और अच्छे से इसको चलाते हुए हमें भूनना है। अगर आपको घी कम लगे तो इस जगह पे आप 1 से 2 टेबलस्पून घी और ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें धीरे धीरे इसको सेकना है। गैस हमारा मीडियम से थोड़ा लो की तरफ ही है और फिर इसको भूनना है। जब हम इसको भूनेंगे तो इस बात का आप ध्यान रखें गैस फुल पर ना हो, इस बात को हमें विशेष ध्यान रखना है। और अब देखिए गैस मैंने यहाँ पर कम पर कर दिया है और देखिए इसको हम चलाते हुए भूनेंगे। इसे हमें खुला खुला बनाना है तो हम इसको हल्का हल्का इस तरह से खोलते जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है। हम यहाँ पर लगभग 2 से 3 टेबलस्पून घी को और ऐड करेंगे और इसको भूनेंगे। तब तक हम दूसरे कढ़ाई में जितना हमने मूंग दाल लिया है उतना ही चीनी लेंगे और साथ साथ यहाँ पर हम 1 ग्लास पानी डालेंगे और इसको अभी हमें गैस पर चढ़ा देना है। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ऑरेंज फूड कलर, केसरिया फूड कलर, ये बहुत ऑप्शनल है, अगर आपको मन हो तो डालें। अब इसका हमें चाशनी नहीं बनाना है, बस इसमें हमें अच्छे से चीनी को पिघला लेना है, आप देख सकते हैं। और तब तक हमारा ये देखिए आप हलवा भी भुन रहा है काफ़ी अच्छा और ये चीनी का पानी रेडी हो गया। हम गैस यहाँ पर बंद कर देंगे। अब हम इसको देखिए कितना अच्छा ये हमारा सिक चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। तब तक फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नई रेसिपीज या रेमेडीज़ डालूं वो सब आपको मिलती रहे। ये देखिए इस तरह का हमें इसको सेक लेना है, परफेक्ट बिल्कुल सीक कर तैयार है। एक बात का और ध्यान रखें, अगर ये इस तरह का आपसे खुले नहीं तो आप इसको मिक्सर में ठंडा करके एक बार चला लें, फिर इसको इस तरह से यूज़ करके आप फिर इसमें आप चाशनी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मिक्सर में हल्का सा ग्राइंड करेंगे तो ये खुल जाएगा। अब ये जो हमने पानी बनाकर रखा था कलर वाला चीनी वाला, ये हम इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा परफेक्ट कलर हमारा हलवा का आ रहा है, बहुत ही टेस्टी ये बनता है। बिल्कुल मतलब आपको मैं बोलूँगी बाज़ार स्टाइल बनता है या बाज़ार से भी आप टेस्टी बोल दो इसको बन सकता है। और इसमें आप साथ साथ अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा घी डालें, मगर यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट घी है, हम नहीं डालेंगे। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, देखिए इस तरह का चलाना है ताकि कोई तरह के लम्स ना पड़े इसमें। और अब आप देखिए कितना अच्छा हमारा शीरा बनकर तैयार हुआ है। इसे हम अच्छे से देखिए इस तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत लोगों को कलर डालना पसंद नहीं होता है, तो अगर आपको कलर डालना पसंद नहीं है तो आप कलर को हटा भी सकते हैं, तो उससे थोड़ा क्या हलवा थोड़ा ब्राउन कलर का होगा, बाकी होगा ऐसा ही। अब इसमें हम डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो हमारे घर पर ताजी मलाई निकली है आधा कटोरी के करीब, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मलाई ऐड करने से क्या होगा, इसमें बिल्कुल मावा का टेक्स्चर आ जाएगा और ये बहुत ही देखिए आप जैसे जैसे ये गाढ़ा बन रहा है आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बनकर तैयार हो रहा है, कितना सुंदर है, कितना खुला खुला है, कितना खिला खिला आप कह सकते हैं इसको। तो देखिए बस ये बिल्कुल बनकर तैयार है। इस जगह पर हम अपना गैस को बंद कर देंगे।
अब हम इसको गार्निश करेंगे। जैसे ठंडा हो गया है थोड़ा हम सर्व करेंगे एक प्लेट में। आप देख सकते हैं घी भी थोड़ा थोड़ा अलग हो रहा है। इसको आप बादाम पिस्ता से गार्निश करें जो आपको पसंद है और इसको एंजॉय करें। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। आप इसे फ्रीज में रख कर 6 से 7 दिन तक खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। बहुत ही अच्छा बना है दोस्तों, तो आप लोग इसको ज़रूर से बनाकर ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नए रेसिपीज या ट्रिक्स डालूं वो सब आपको मिलती रहे। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय, सी यू सून।